कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने विधानसभा में कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखकर सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि दुष्कृत्य के मामलों में एमपी अव्वल है। चंबल में डकैत गिरोह खत्म हो गए हैं और प्रदेश में डकैत पनप रहे हैं। राजधानी में गृहमंत्री के घर के पास 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सरकार को गृहमंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। उपनेता राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से कहा कि पिछले अभिभाषण के दौरान सदन में कहा गया था कि इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का स्मरण कराया कि पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले वर्ष के में उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि वो इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करेंगे। मैंने इस बात में आज उनसे शंका व्यक्त की है कि राज्यपाल महोदय से आप असत्य वाचन कराते हैं और अपना जो भाषण देते हैं उस पर भी आप अडिग नहीं रहते हैं, आप उस पर दृढ़तापूर्वक स्थायी नहीं रहते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये कहा है कि आपने कमिश्नर प्रणाली लागू करने की हिम्मत नहीं कर पाए और मैंने उन पर ये आरोप लगाया है। ये कहीं ना कहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के दो वर्गों के बीच की लड़ाई है और उसमें आप कहीं ना कहीं दबाव में आ रहे हैं, इसको लागू नहीं करना। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सदन में अधिकारियों 3/4 मंत्री नदारद पर भी सवाल उठाए। 3/4 मंत्री नदारद और चीफ सेक्रेटरी से लेकर एक विभाग का सचिव वहां पर नहीं था, इसी से लगाया जा सकता अंदाज कि सरकार चल रही या नहीं चल रही। मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और 3/4 मंत्री विधानसभा से गायब हैं। साथ ही भोपाल में अब तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी लागू नहीं की गई, जिससे मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अब देखना है कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था कब तक ठीक होगी। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज़, भोपाल।